वो तो आई तो मैं कह रहा हूँ वी नीड टू लर्न फ्रॉम इंडिया के हाउ टू इंगेज ऑन इकोनॉमी एंड ऑन सिक्योरिटी। अच्छा, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, ऐसी मिसाल माजी में नहीं मिलती। खुद IMF कह रहा है कि श्रीलंका वाले हालात हो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि श्रीलंका प्लस हालात होने वाले हैं। हमारी तो भाई यारी इस जिल्लत से बेहतर है कि आदमी मर जाए। So, मुझे जो दुख होता है और तकलीफ होती है एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। IMF प्रोग्राम की बहाली के बाद रुपए की कदर में इस्तेहकाम आने के दावेदार डॉलर की ऊंची उड़ान रोकने में अक्सर नाकाम है। डॉलर आज भी 4 रुपए महंगा हुआ है। सैलाब से जी GDP में 3% कमी का ऐलान है। तमाम नुकसानात जो इस सैलाब से हुए हैं, जो आगे चलकर होने वाले हैं, खासतौर पर पाकिस्तान की। तो आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बात हो रही है इमरान खान के द्वारा कि श्रीलंका से भी हालात बदतर है पाकिस्तान के। हालांकि आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इमरान खान जिस तरीके से अभी बाहर हुए, PM कैंडिडेट मतलब PM पद में थे और उससे बाहर हुए, अब ये ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं जैसे कि ये सारा का सारा जो किया है वो करंट गवर्नमेंट ने किया। हालांकि इसका पूरी तरह से जवाबदार मैं इमरान खान को ही बोलूँगा। आप आगे वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं। वीडियो में इमरान खान है, कमर चीमा एक्सप्लेन कर रहे हैं किस तरीके से इंडिया से सीखने की ज़रूरत है। पहले वीडियो देखते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा अगर आप के लिए सारे मुल्क को इन्होंने धकेल रहे हैं उस तरफ कि किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहेगा और मुल्क मसलों पे गुजर। मुझे कह रहे हैं जी सियासत ना करो जी, फ्लड वाला सोचो। फ्लड का भी हम सोच रहे हैं, लेकिन खुद बजाय सोचने की कि मुल्क कितनी मुश्किलों में है, बस किसी तरह गवर्नमेंट गिरा दी जाए कि किसी तरह फिर से। और कैसे गिराएंगे? पैसे चलाएंगे, लोटे बनाएंगे। लेकिन इस वक्त मसला ये है समीर कि लोटों से जो हो गया है ना, 17 जुलाई को जो लोटों से हुआ है, अब सारे लोग डरते हैं लोटा बनते हुए, क्योंकि लोटा बन गए इसका मतलब यह है कि सारी जिंदगी के लिए छाप लगी, मोर लग गई कि इससे पैसे लेके अपना जमीर बेचा। ये इस वक्त कौम शोर और बेदार कौम है। मैं जिधर जाता हूं मैं आपको चैलेंज करता हूं, जो जो लोटे हुए हैं, जब भी इलेक्शन होगा पाकिस्तान में, मैं राइटिंग में दूंगा कि एक लोटा नहीं जीतेगा। हुकूमत की यह कोशिश है, अभी तक तो वो कामयाब नहीं हुए। एक दो हफ्ते पहले उन्होंने कोशिश की कि हम आपको वो गिरफ्तार करें, लेकिन इधर बनीगाला में हमने देखा जिस तरह वर्कर्स पहुंचे तो फेडरल गवर्नमेंट को हिम्मत नहीं हुई। अगर एक पॉसिबिलिटी है वो आपको गिरफ्तार कर लेते हैं, तो आपने कोई अपनी पार्टी को इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, कोई प्लान उसका बनाया हुआ है कि किस तरीके से आपने मूव करना है आगे, इसको एंटिसिपेट करते हैं आप? समी उस दिन मैं तैयार बैठा था, इन्होंने मुझे दहशत गर्दी में गिरफ्तार करने आना आ रहे थे, इनका प्लान बना हुआ था। रात को मेरे ख्याल 2-3 बजे इन्होंने आना था। मैं तो अपना छोटा सा बैग पैक करके तैयार बैठा था, क्योंकि मैं तैयार था, मुझे पता था कि ये जो भी करेंगे अपना ही बड़ा घर करेंगे, क्योंकि कौम मानने लगी है कि इमरान खान दहशत गर्द है। ये 50 साल से कौम मुझे जानती है। मुझे तो आज तक क्रिकेट के अंदर कभी सारे लोगों के ऊपर आए, कभी किसी ने कहा कि इमरान खान ने जुआ खेला क्रिकेट के दौरान, मैच फिक्सिंग की है, को भी किसी मुखालिफ ने कहा है। बल्कि वो कहते हैं वो कप्तान था जो दुनिया की तारीख में पहली दफा न्यूट्रल अंपायर्स लेके आया कि साफ और शफाफ तरीके से जीतना चाहता था। जो भी मैं कैप्टन था या टीम, कितनी टीमें यहां के हमारे से हारी हैं, एक ने नहीं कहा कि इमरान खान के दौर में चीटिंग की है। तो लोग मुझे जानते हैं 50 साल से, तो वो उनको ये कहना कि इमरान खान को दहशत गर्दी में हम जेल में ले गए, मैं तो तैयार बैठा था, मैं समझ रहा था कि ये अपना बेड़ा गर्क और करेंगे, मेरा काम और आसान कर देंगे, मेरी तहरीक जो आजादी की तहरीक है उसे और तेज चल पड़ेगी। वो पब्लिक ही इतनी निकला है उस दिन रात को, डर गए ये सारे। लेकिन मैं तैयार हूं हर चीज के लिए, मुझे कोई सभी ये तो छोटी बात है ना गिरफ्तार कर, मैं अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए, क्योंकि मैं कभी इन चोरों के नीचे रह ही नहीं सकता। मुझे मौत पसंद है बजाय इन चोरों के नीचे रहना, क्योंकि मेरे ख्याल में जो ये मुल्क को जिल्लत पहुंचा रहे हैं ना, यानी इस जिल्लत से बेहतर है कि आदमी मर जाए। इनके नीचे ये चोरों की मैं इनकी शक्लें देखता हूं कि जी इनके साथ मुफाहमत करें, बात करें, मैं इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता। मैं इनको 30 साल से जानता हूं, ये जो साइकिल पे और ये सोसाइटियल कंसर्न्स हैं वो बढ़े हैं, तो फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा हो गई है, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। आप देखें कि आपके मुल्क में एनर्जी नहीं है, मतलब गैस की शॉर्टेज है, आप उसका जारी बात है व्हेन इंडस्ट्री विल शट डाउन तो पॉपुलेशन की वो गुर्बत पे उसका असर पड़ेगा, इंडस्ट्री विल माइग्रेट कर जाएगी यहाँ से। तो जो जो चीजें हैं फिर आप देख लें दैट हाउ इंडिया इज डीलिंग विद ऑल दीज कंट्रीज, इंडिया किस तरह इनसे डील कर रहा है। असी सिर्फ और सिर्फ वो
जिसे आप कह लें कि सिक्योरिटी 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 सिक्योरिटी, दैट इज ऑल व्हाट वी हैव एंड दैट इज ऑल व्हाट वी वांट। इसके अलावा हम कुछ भी जो है वो बात करने को तैयार नहीं। वो इंडिया ने बार बार उनको कहा है कि जी हम फेयरनेस चाहते हैं, इंक्लूसिवनेस चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं और जो है अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, बिकॉज हम ठीक है छोटी मार्केट है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि हमारा इस्तेहसाल हो। तो इंडिया जो है ना वो कह रहे हैं कि एक एक चीज हम, सो उनको पता है कि पाए ने सारा जो वेस्ट है और ये खासतौर पर जितने भी रीजनल ममालिक हैं ये इंडिया पे डिपेंडेंट है, बिकॉज वी आर द बिगेस्ट कंट्री एंड वी कैन गिव लॉट टू देम। इंडिया को उसके पल्स पे हाथ आ गया, वो जिसनों पंजाबी कहते हैं ना ठंडी करके खा देने में, ठंडी करके खाना से मुराद ये है कि वो अब उनको पता है सारा कुछ तो आना ही आना है भाई। अगर सारा कुछ आना ही आना है तो फिर इसको आने दे, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्या उसे बोलते हैं खाएंगे, आराम से खाएंगे, ठंडी करके खाएंगे। लेकिन असी की करने हैं, असी इको बारी खाने हैं, तत्ती खाने हैं, ते जनाब सिक्योरिटी, दैट्स इट। अदर देन दैट हम कुछ भी नहीं, अदर देन दैट हम उसमें जाते ही नहीं है जिसको बोलते हैं ना। और फिर सारी बात है हमारी जो डीलिंग्स होती है वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं होती। ट्रांसपेरेंट ना होने से मरा दिया है कि वी डोंट हैव, हमें क्या पता कि क्या बातें हो रही हैं, क्या बातें चल रही हैं, कौन बातें कर रहा है हमारे बिहाफ पे, क्या बात कर रहा है, किसी को कुछ कख पता नहीं है, किसी को कख पता नहीं होता इसमें कि हमारी हमारी क्या बात हो रही है, ट्रस्ट में। लेकिन सारी बात है हमारे पास और चॉइस ही कोई नहीं है। ठीक है जी, जो लगे हुए हैं वो ही करेंगे, देखेंगे, और लीडरशिप हमारी खामोश है, कंफ्यूज है, परेशान है, उन्हें गरीबा नु समझ नहीं आती भी वो इमरान खान उतरे ठे सारे टाइम और खान ही उन्होंने लै चलें। तो वो इंडिया जो है बार बार उनके साथ एंगेज भी करता है, कोऑपरेट भी करता है, एक स्टेप आगे हो जाता है, दो स्टेप पीछे हो जाता है, फिर एक स्टेप आगे हो जाता है, दो स्टेप पीछे हो जाता है, उनको सारा टाइम उन्होंने तिंगनी का नाच नचाया हुआ है। द रीजन बिहाइंड इज बिकॉज उनको पता है कि इन ये वंस फॉर ऑल ये साढ़े ते इंडिपेंडेंट है। सो बड़े आराम से बात करो इनके साथ, इनसे फायदा भी लो, अपना इंटरेस्ट भी देखो, और जल्दी में कहीं जो है वो अपनी वो जैसे कहते हैं ना इन्होंने कुछ खुआ ना दी, मतलब हथुना चीजें खो बी। सो दिस इज द बेस्ट मोमेंट, ये मोमेंट दोबारा नहीं आना। जो राइज ऑफ चाइना है ये दोबारा इस चैलेंज में नहीं आना। सो टॉक गुड, इंगेज गुड, और अच्छे तरीके से बात करो, बिकॉज यू हैव टू गिव समथिंग। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया के कमर चीमा बोल रहे हैं कि इंडिया से देखो यार, इंडिया से सीखो कुछ। आपको बता दूं, पाकिस्तान को भारत से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फॉल्ट है पाकिस्तान की आर्मी। पाकिस्तान की आर्मी ने जिस तरीके से पाकिस्तान में करप्शन किया है, प्रॉपर्टियाँ बनाई हैं बाहर, इनकी कॉलोनी की कॉलोनी बनी है कहाँ पर, कैनेडा में। इनके जो एक्स जर्नल है वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर आइलैंड खरीद रहे हैं और वहाँ पर रह रहे हैं। परवेज़ मुशर्रफ की 300-400 करोड़ की प्रॉपर्टी है पाकिस्तान के बाहर। सोचें आप, मुल्क में आने की इनकी हिम्मत नहीं है, मतलब आने का दम ही नहीं है कि इनको लगता है कि इनको मार दिया जाएगा। इस तरीके के इनके सीन है। पाकिस्तान की आर्मी ने जिस तरीके से पाकिस्तान को लूटा है, सबसे बड़ा जवाबदार है पाकिस्तान की आर्मी। पाकिस्तान के लोग, उनकी कोई गलती नहीं है। अब पाकिस्तानी अफगानियों से पिट रहे हैं, अफगानियों के अंदर नफरत भरी है पाकिस्तानियों के लिए। क्यों? क्योंकि अफगानी समझते हैं कि यार जो जिहाद रशिया के खिलाफ हो या जो अमेरिका के खिलाफ हो, जो अफगानिस्तान में जो जिहाद फैलाया, जो सिविल वॉर कराई, उसके पीछे का मेन रीज़न है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान के सारे लोग तो है नहीं, पाकिस्तान की बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एजेंसी, इन लोगों ने कराया, लेकिन भुगतते बेचारे पिटते वो हैं। अब देख सकते हो आप, मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो यार पाकिस्तान के लीडर इतने पावरफुल हो ही नहीं सकते, उनको पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर ही चलना पड़ेगा, मिलकर ही खाना पड़ेगा। इमरान खान हो चुके हैं आउट, पाकिस्तान आर्मी इमरान खान के हो चुकी है टोटली खिलाफ। इनकी स्पीचेस यूट्यूब पर बैन कर रही है पाकिस्तान आर्मी, मतलब आप समझ सकते हो इमरान खान अब एक ऐसा बंदा है जिसे पाकिस्तान की आर्मी ने उठाया और अब ये पाकिस्तान आर्मी के ही पीछे पड़ गया और पाकिस्तान आर्मी की ही बैंड बजाने पर तुला हुआ है। तो आगे देखते हैं सीन क्या होता है। बाकी सीन पाकिस्तान में ऐसा है कि यार अटैक वटैक भी हो जाते हैं लीडर्स पर। तो इमरान खान फेमस तो है, इमरान खान का अगर देखें सपोर्ट बहुत है, इमरान खान के जलसे में लोग बहुत आते हैं, तो ऐसा है। और मेरे हिसाब से इमरान खान ही कैंडिडेट बनना चाहिए। जिस तरीके से इमरान खान पाकिस्तान को नीचे ले गया है, एज अ इंडियन हमें तो ये अच्छी बात है। इसने भारत के साथ रिश्ते ख़राब किए, इसने अरबी टर्की के चक्कर में
अरब के साथ रिश्ते ख़राब कर दिए, इसको इस्लामी उम्मा और ये वो खुद इस्लामी चैनल बना रहा, ये कर रहा वो कर रहा, लीडर बनना, उस चक्कर में पाकिस्तान की बैंड बजाई, अमेरिका को मतलब इनडायरेक्टली ये ऐसा कर रहा था, झुकेगा नहीं, और पता है कि बिना सब कुछ करे इनकी आर्मी झुक रही थी, पैसे भी ले रही थी। तो इस तरीके के सीन इन्होंने किए हैं। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए।